सामान इसके अंदर बहुत कुछ है और यहाँ पे हरून कलर पेपर के साथ पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो गाइस अब हम इस खजाने की अनबॉक्सिंग करने लगे हैं कि इसके अंदर क्या है। तो चलो आराम से गिराना चाहिए ना कुछ निकल। इतनी सारी चीज़। लेकिन खैर ये हमारी नहीं है, ये टीचर्स को देनी है और बलून्स वगैरह सब कुछ है और पार्टी पॉपर्स हैं। टीचर्स डे पे है लेकिन इसमें से जो है ना बहुत सी चीजें मिसिंग है। मेरी सिस्टर को इतनी चीजें अवेलेबल थी तो ये आज इतनी ले आई हैं, बाकी जो है कल आएंगे। आई विल शो यू एंड अब स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, क्या करना है मुझे खुद नहीं पता, तो मैं अपनी सिस्टर से पूछ पूछ के ये करूंगी। तो गाइस मार्शमेलोज और चीजियां चिट्ठी वगैरह में अभी जो है चीजें और लानी है, बकाया सामान में भी लाना है और इनका थीम जो है ब्लू एंड व्हाइट है, ब्लून से पता चल गया होगा चार्ट से। और ये जो है कुछ कलर पेपर्स हैं और पार्टी पॉपर्स, कैंडल्स वगैरह। और हमने चार्ट पे ना मतलब हैप्पी टीचर्स डे लिखना है, जिसका डिजाइन इस तरह से। इसको देख के हम सब कुछ काटेंगे, हमारे पास पहले से पड़ा हुआ था तो हमने कहा भाई इस पे, तो इसके ऊपर हम लिखेंगे हैप्पी टीचर्स डे इसका। सो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे लिखेंगे, ये सिल्वर मार्कर है, इससे लिखेंगे ना तो बहुत ही प्यारा लगता है, मतलब दूर से भी बहुत ही प्यारा लगता है। तो अब हम इनको कट करते हैं। मैं ट्राइपॉड ले आई हूँ, अब हम इसके ऊपर कैमरा सेट करते हैं। तो अभी हम इसको सेट करते हैं, उनको तो बस लाइट ही बहुत अच्छी लगी है इसकी, तो अब हम सेट करते हैं। तो गाइस मैंने जो है ट्राइपॉड पे कैमरा सेट कर दिया है और अब जो है हम चार्ट को ओपन करते हैं और ये इस तरह से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मोटा ये भी करते हैं। इसको ओपन करने में मुझे बहुत ही मजा आता है। तो गाइस अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ढक्कन पहले ही खुल गया, हमने इसको ओपन कर लिया। अभी तो ये ऐसे, हम इसको जब प्रेस करेंगे ना तो फिर इसके अंदर सिल्वर सिल्वर से निकलेगा। मैं पेज लेके आती हूं। 2000 years later. So guys, कल मैं सो चुकी थी, मुझे मैं बहुत ज्यादा ही थक गई थी तो इसलिए मैं सो चुकी थी। तो मैंने कहा कि मैं अब व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो जो
ये ले आए थे, और ये डेरी मिल्क्स वगैरह भी लाना है। अभी एक और चॉकलेट लानी थी, लेकिन शॉप जो है वो क्लोज हो गई थी, तो इस वजह से मैं ला नहीं पाई, लेकिन वो ले आएंगे हम। तो अब हम अपना काम जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना था हमने, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी आपी से पूछ के फिर बताती रहती हूँ आपको। तो गाइस अब जो है हम इस पे लिखते हैं, मैं तो लिख नहीं सकती, मैं अपनी आपी से लिखवाऊंगी क्योंकि वो बहुत ही प्यारा लिखते हैं। गाइस ये देखें, हम मेरी आपी ने हैप्पी टीचर्स डे बना लिया कार्ड पे, और मुझे तो ये बहुत ही प्यारा लगा। और अब देखते हैं कि हम क्या करते हैं, गिफ्ट पैक करते हैं। गिफ्ट के लिए और चॉकलेट भी ले आई थी मैं, ये देखें वापस। और अब देख मैं अपनी बहन से पूछती हूँ, और याद आ गया कि इन कलर्स पेपर्स के ना छोटे छोटे कार्ड बनाने जो गिफ्ट के अंदर रखेंगे, तो लेट्स मेक इट। तो गाइस हमने वन कलर पेपर के फोर पीसेस कर लिए हैं, ये देखें। अब हम इनके छोटे छोटे कार्ड बनाएंगे, मतलब इस तरीके से इतने साइज के। और अब हम बाकी भी ऐसे ही करते हैं, और फिर इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसी तरह हम बहुत सारे बनाएंगे। मैंने भी बनाए हुए अपने लिए, मतलब मैं स्कूल के लिए, और मैं आपको वो भी रास्ते दिखाऊंगी। अभी मेरी आपी बना रही है अपने टीचर्स के लिए, और मोहम्मद भी आ चुका है। ये क्या है? गाइस इसमें तो कुछ पता ही नहीं है, ऐसे लगते जैसे ये घर में नहीं रहता। डे टीचर डे आ रहा है? नहीं भाई जाओ, कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा कब है? चलो सारी तैयारियां हो रही हैं स्कूल में। गाइस मुझे तो पता भी नहीं टीचर डे है, ये क्या है? गाइस बस ये आया हमें तंग करने, हमारा काम बिगाड़ने। गाइस हमने जो है कार्ड इस तरह से कर लिए हैं, और अब जो है मैं स्ट्रिप्स काटूंगी और इन पे मैं लगाऊंगी, तो ये बहुत ही प्यार लगेगा। ब्लू पिंक के साथ ब्लू कंट्रास्ट बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसलिए अब हमें मैं काटता हूँ। इतने ज्यादा कार्ड किसके लिए बना रही हो तुम? टीचर्स के लिए। टीचर्स इतनी ज्यादा टीचर्स? अब एक टीचर थोड़ी ना फिर आती है सारे सब्जेक्ट। ये
ये क्या कर रही हो तुम? मैं कार्ड मतलब कार्ड बना रही हूँ। ये क्या लिखा है? हैप्पी हैप्पी टीचर डे। आप पता है ये क्या होता है? हाँ जी चले गाइस चुका है इनको ये तो पता है कि ये होता क्या है। टीचर्स गाइस ड्राइंग का शौक जो लड़कियों को होता है नैनो को है शौक। यस कार्ड्स बना लिए हैं और कार्ड्स पे ऐसे स्ट्रिप्स लगा लिए। देखिए बहुत सारे बनाए हैं हमने और अब जो है हमने एक एक और स्ट्रिप लगानी है। मतलब ये स्ट्रिप है ना तो इसके ऐसे लगानी है मतलब टेढ़ा वगैरह इस तरह से लगानी है। ये देखिए इस तरह से सब पे जोड़ के मिलती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मुझसे ज़्यादा मेरी आप ही थक गया क्योंकि वो ही सारा कर रही है। मैं तो इतने में से ही थक गई। सो गाइस हमने जो है कार्ड फाइनली बना दिए हैं ये देखें। और अब जो है मैं और मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा ही थक गए हैं तो इस काम को अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं और मैं जा रही हूँ सोने क्योंकि मैंने जाना सुबह स्कूल भी। मैं उठती हूँ फिर मम्मा से डांट भी पड़ती है तो अब मैं सोने जा रही हूँ। मिलूंगी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। दिल कर रहा है मैं ही ले लूं। टन टन आया। ये देखिए हमारे पास रिबन्स भी आ गए हैं बहुत ही प्यारे हैं फ्लावर्स वाले। अब हम ब्लू के ऊपर व्हाइट लगाएंगे और व्हाइट के ऊपर हम ब्लू लगाएंगे। तो अब हम इसको खोलते हैं। ये देखिए हमने रिबन लगा लिया प्यारा लग रहा है ना। अब हम इसी तरह और भी लगाएंगे। हमने जो है सारे गिफ्ट पैक कर लिए हैं ये देखें
बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। सो गाइस, मेरी अभी जो है पहुंच चुकी थी और उन्होंने इतना प्यारा डेकोर किया हुआ था और उनका थीम ब्लू एंड वाइट था जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था और जो लाइट्स थी ना वो भी बहुत ही प्यारी लग रही थी और इन्होंने जो है स्टिकी नोट्स पे कुछ टीचर्स के लिए कोड लिखे हुए थे ब्यूटीफुल से और मुझे तो ये बहुत ही अच्छे लगे थे। सो गाइज, एक और गिफ्ट है और ये गिफ्ट बहुत ही प्यारा है। इसके अंदर पेंडेंट है और ये हैंडमेड है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे एक मार्बल केक आ जाता है और कैंडल्स वगैरह से मतलब केक्स के ऊपर लगाई थी, केक भी बहुत ही अच्छा था और इनकी डेकोरेशन भी बहुत ही अच्छी थी। होप सो यू लाइक दिस वीडियो, थम्स अप एंड शेयर इट। तो गाइस, मेरी आपी ने जो है सेलिब्रेट कर लिया था और उन्होंने पिक्चर्स भी खींची थी, मैंने पिक्चर्स में देखा था वो तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो आई होप कि आपको मेरी आपी का ये सेलिब्रेशन अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना, कमेंट भी करना और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर देना। अल्लाह हाफिज़।